अरे क्या कर रही है ये? हम ना अपना पार्लर सेट कर रहे हैं। हाँ? ऐसे? अरे हम वो पार्लर वाला जॉब छोड़ रहे हैं। क्यों क्यों छोड़ रहे हैं? वो नैन्सी मैडम है ना, हाँ। वो ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ली है। अब हमको क्लाइंट लोग को जबरदस्ती जो है प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, और बुझिए वो कैसे होगा। कैसे होगा? उन्हें ये फील करा करा के कि उनका स्किन खराब है, बाल ड्राई हो रहा है, पतला हो रहा है, और उनको और खूबसूरत दिखना चाहिए। अब पैर नीचे कीजिए भाई। लेडीज लोग पार्लर में आती हैं ताकि उनको अच्छा महसूस हो, हैं? हाँ। हमको ये जॉब इसीलिए तो अच्छा लगा था, पर अब कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट श्रीमान जी, और जब बाहर मीडिया वालों से बात करेंगे ना तो थोड़ा श्रीमती जी के पार्लर के बारे में एक ठो शब्द बोल दीजिएगा ना, प्रमोशन हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे पार्लर के वो विज्ञापन ओढ़ के ही चलते हैं, या फिर हर आर्गुमेंट के बाद बोल देंगे दिस आर्गुमेंट इज स्पॉन्सर्ड बाई रत्ना ब्यूटी पार्लर, फिर जज पुलिस अपराधी सब आएंगे फेसियल कराने। हाँ चलिए, चलो चलो ठीक है, चलिए चाय बना दूं पियोगी। देखिए ताने ना सिर्फ हम मारेंगे वकील साहब, ठीक है? वैसे भी आपकी अम्मा आजकल हर रोज मार रही हैं। अब क्या इशू हो गया उनको? यही कि आपका और हमारा कोई इशू नहीं है। मतलब वो चाहती है कि हमारे बीच में इशूज हो? सिर्फ वो ही नहीं चाहती, बल्कि गया वाली चाची जी, बेगूसराय वाली मम्मिया सास, सिउहर वाली ददिया सास, सब चाहती हैं, और एक दो से कम तो हो ही ना। अच्छा अच्छा, वो वाला इशू। तुम उन्हें बोल क्यों नहीं देती कि हमें नहीं चाहिए सब? रिश्तेदार किसके हैं? आपके, तो आप ही ना बोलिएगा। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ आया लेडीज लोग के बीच में कन्हैया बने घुस रहे हैं? क्लाइंट का प्राइवेसी नाम का कोई चीज होता है कि नहीं? हमारे भी क्लाइंट का प्राइवेसी नाम का कोई चीज होता है ना, उनको बोलिए वो मनोरंजक कहानियां नहीं, वो हमारे अंडर ट्रायल केस की फाइल है, देते हैं। माफी चाहते हैं। मैं आपको मैगजीन देती हूं, ये लो। हाँ ठीक है, हम माफी चाहते हैं, हमको मालूम नहीं था। दीपू फॉलो मी। सॉरी मैन, पता है हमारी अम्मा कहती थी कि जो इंसान हमें समझ नहीं आता है ना, वो एक दिन समाज से ही बाहर हो जाता है, और हमको लगता है कि उसको ना आपके जैसा वकील का ही जरूरत है जो उसे समझ सके। हियरिंग से एक दिन पहले ना कीजिएगा, और जो आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है इस केस पर उसका क्या? इससे तो अच्छा है कि ये सोचे कि अब क्या और कैसे करेंगे। ना ना, ना भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। अरे घर हम चला लेंगे ना, आप लगाइए ना केस पर दिमाग। अरे नहीं नहीं ऐसे मत कहो, दिल टूट जाएगा हमारा। दिल टूटे उससे बढ़िया पॉलिसी तोड़ देंगे। आप चाय पीजिए ना, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, आपसे तो रेगुलर कमा रहे हैं। क्या हुआ, जल गया? हाँ बहुत ज्यादा जल गया, मतलब बताइए, देखते देखते रत्ना जी हमसे ज्यादा कमाने लगे।